अच्छा संजय, तुम जी सर। बात कर रहे हो बहुत केयरफुली, क्या सर ऑब्जर्वेशन है? हाँ मतलब किन किन पहलुओं पर सर? मुक्त भारत का महापरिवर्तन मॉडल 2024 में इस देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। एक लहर बिल्कुल और आंधी पैदा होगी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, जो दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, जो चुनाव लड़ना, जीतना और मंत्री मुख्यमंत्री बनना अपनी बापौती समझते हैं और अपने बाद अपने बच्चों की भी बापौती समझते हैं, ऐसे सभी जो है लोग जो है पराजित होंगे, वो भी उभरते हुए चंद्रगुप्तों के, जिसके आज चेहरे भी स्पष्ट नहीं है। क्या कहना है आपको इस बारे में? अब चूंकि सर ये निहायती जो है, चूंकि हम लोग तो अभी इन सर्विस में है सर, तो इन इन चीजों पर डायरेक्ट कमेंट करना तो हमारे लिए बहुत उचित नहीं है सर, लेकिन नहीं, ये तो जो है बेसिकली इन सर्विस और एक्स सर्विस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सर्विस से रिलेटेड मैटर ही नहीं है, ये तो देशभक्ति से रिलेटेड मैटर है। हाँ अपराध नहीं, मुक्त भारत, बिल्कुल ये बिल्कुल हर सर, किसी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत, हर भारतीय की सोच, चिंतन और उसका कर्तव्य भी है। इसमें कहीं पे भी किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है। और चूंकि ये तो दुष्टता देखिए, कंडक्ट रूल है कौन से, जो 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 ना चंद जो है अंग्रेजों के द्वारा इस देश का शोषण करने के लिए बनाए गए थे और पूरे देश को कठपुतली बनाया गया था, वही कंडक्ट रूल है। लेकिन क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्य कहीं भी कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं करते। नहीं, ये तो मैं देशभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी, ये बात आप मानते हैं कि नहीं? नहीं चूंकि थोड़ा सा मेरे लिए क्या है सर कि चूंकि कहीं ना कहीं मसौदा जो है पॉलिटिकल है सर, तो पॉलिटिकल चीजों में ये जैसे बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है, ये मेरे लेवल बिल्कुल पे कटाक्ष एक एक मिनट ए, एक करना सर, मिनट ये बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। और ये चूंकि हम लोग एक सर सुनो, मेरी मेरी बात ध्यान सुनो, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये राजनीति नहीं है, राजनीति है। राजनीति नहीं है, राजनीति नहीं है, और जो उभरते हुए चंद्रगुप्त होंगे वो राजनेता नहीं कहलाएंगे, वो राष्ट्रनेता कहलाएंगे, जिनके चिंतन में, सोच में हर जगह राष्ट्र हित और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होगा। नहीं सर, मैं आपसे वैसे भी बात करना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रहा था सर कि आपके इस जो है ना व्यवस्था में और प्रखरता है, मैं जब सुनता हूँ तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे हम जैसे मैं ये मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जैसे 100 चीजें अलग 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 कॉम्प्लिकेटेड है, नेचुरली कंट्री अपने फर्स्ट फेज में है सर, आजादी के अभी तो मतलब शुरुआती दौर में है सर, मतलब हार्डली अभी अगर आप ईमानदारी से कहें तो सर मुश्किल से 20 से 25 साल ही जो एक्चुअल में जो चलने वाला दौर देश को आया वो लास्ट 20 ईयर्स, 25 या 30 ईयर्स अभी भी से ही नहीं चल आया रहा है। किस किस चलने वाले दौर की बात कर रहे हो? आपके मतलब ऊपर एक जैसे जस्ट ए मिनट जस्ट ए मिनट आपके ऊपर जी वही गुलामों के नियम थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को कुचलने के लिए, क्रश करने के लिए, शोषण करने के लिए बनाए थे। नेचुरली नेचुरली सर, अच्छा, मैं जो इससे प्रशासनिक व्यवस्था थी वो वही प्रशासनिक व्यवस्था है जो मुट्ठी भर अंग्रेज पूरे देश को शोषित करते थे। जी और आप किन राजनेताओं की बात कर रहे हैं? वो राजनेता जिन्होंने एक ऐसी जो है घटिया संविधान के विरुद्ध एक पार्टी सिस्टम लेके आए हैं, वो संविधान का हिस्सा नहीं है। संविधान में आपके कहीं पार्टी शब्द का उल्लेख नहीं है। और वो इतना घृणित है कि ये बताइए, आपका चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव आपको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। वो पार्टी लाइन से एक लाइन दाएं बाएं बोलेगा तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी। इन्होंने इतना घटिया पार्टी भी बनाया है। पार्टी तंत्र ने प्रजातंत्र की हत्या कर दी है। भारत में कोई प्रजातंत्र नहीं है, ये पार्टी तंत्र है और प्रजातंत्र उसमें लुप्त हो गया है, छिप गया है। प्रजातंत्र कहीं दिखाई नहीं देता है। मैं बहुत समय से प्रजातंत्र को खोज रहा हूं, मुझे प्रजातंत्र मिल ही नहीं रहा नहीं, है। है सर, मैं मेरा मेरा तो बस इतना सर, आप अनुभवी हैं सर, इतने सर
इतने मुख्य मुख्य पदों पर और ओहदे पर रहते हुए सर आपने काम किया है, मैं तो हम्म। बस और इतना नहीं, लेकिन आपने ये भी देखा है कि उसमें हमारी बुलंदी में कभी कोई कमी नहीं रही है। नहीं एकदम नहीं, इसीलिए इसीलिए चूंकि मैं सर जितना नजदीक से, और आपको मैं अपना पथ प्रदर्शक मानता हूँ, जितना नजदीक से मैंने आपकी एनर्जी को महसूस किया है, वो मतलब मेरे लिए एक, और कई मामलों में आप मेरे लिए हमेशा गाइड होते हैं सर। आपको ही देख के कई बार मुझे भी लगता है कि नहीं यार, जब इस ढंग से आदमी कर सकता है, इस उम्र में कर सकता है और इतने एनर्जी के साथ कर सकता है, तो फिर हमें भी कुछ करना चाहिए। मैं तो बस इतना इतना कहूंगा सर कि जैसे ये जो आपका प्रयास है, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बेहतर प्रयास है। आज की परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा सा, जैसे जो मैं पूरा उसको जो देखता हूँ, मैंने कई बार पढ़ा, कई बार समझने की कोशिश करी, तो बस मैं बस आग्रह मेरा ये है सर, चूंकि मैं बहुत ज्यादा कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं भाई भारत सरकार का भी कर्मचारी हूँ, उसके अधीन हूँ, उनके नियम वो को पालन करना मेरा मतलब भाव भी है। लेकिन मैं सर ये चाहूंगा कि सर जैसे बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे कुछ कुछ मुद्दों को हिट किया जाए सर। जैसे हम लोग क्या हो रहा है ना, जैसे अब जैसे अगर मैं इसका मेंबर होता या मैं आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा होता सर, तो मैं पहले कोशिश करता कि ऐसे चार छह मुद्दे जिन पे मैं स्ट्राइक करूं और उनको आगे लेकर बढ़ूं। अभी वो वैसे मुद्दे क्या है सर, जैसे देखो सपोज की देखो देखो, मैं आपकी बेटे बात काटता हूँ। सर मैं सर आपकी बात एक काटूंगा कि दिस सिस्टम में आप किसी भी मुद्दे को हिट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इन्हीं मोटी खाल के लोगों से आपको अनुग्रह करना पड़ेगा, इन्हीं को प्रस्ताव रखना पड़ेगा, इन्हीं को नियम कानून और उसके कुछ वो बनाना होंगे जो ये दुष्ट कहीं नहीं बनाएंगे। ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने 800 से ज्यादा किसान मारे गए, भला हो उत्तर प्रदेश के चुनाव का। नहीं तो आपको क्या लगता है कि वो जो है किसानों के जो 3 अधिनियम है वो वापस होते? और इसमें कोई सोचने और समझने की जरूरत नहीं है कि वो 3 नियम बैकडोर से आपको फिर से किसानों को गुलाम बना देते। हाँ नहीं, वो तो एहसास तो सारे लोगों को सर हो ही रहा था, और शायद एक समय के बाद सत्ता पक्ष को भी लगा कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो उन्होंने फिर उसको करा सर, और वो नहीं कहीं नहीं कहीं नहीं लोगों का सत्ता पक्ष प्रयास को भी कुछ नहीं था। लगा, सत्ता पक्ष को कुछ नहीं लगा। उन्हें लगा कि किसान बहुत भारी पड़ रहे हैं, वो उत्तर हाँ प्रदेश का चुनाव हार जाएंगे। यदि उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो ये मोटी खाल के लोग कुछ नहीं करते। नहीं होता, उत्तर लेकिन प्रदेश का चुनाव का भला हो कि वो सामने आ गया और उसने किसानों का भला कर दिया, देश का भला कर दिया। नहीं तो ये जो है ना बैकडोर, सामने से सुंदर सुंदर दिखने वाली चीजें बैकडोर से किसानों को जो है गुलाम बना देती। सर 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 तो ये बात तो है। चलो, तो जो है मुझे आपका मैसेज मिला था जी तो जी जी मैंने कहा कि बात की जाए आपसे। नहीं, सर अच्छा है और सर। मैं थोड़ा सा जैसे इसमें पर्सनलाइज होता हूँ सर मेरा, मैं आप सर बहुत ऑर्गेनाइजेशन को भी जानते हैं सर, मैं थोड़ा सा आपके जो संगठन की विचारधारा उससे उसी को मतलब कहीं ना कहीं एक कदम थोड़ा लेफ्ट राइट करके बात करूंगा सर। जैसे अब हम ही लोग हैं सर, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका इसमें रोल मैं चाहूंगा सर, कि जैसे हम लोग सपोज की, और इससे इससे होगा क्या कि जैसे सीआरपीएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो लगभग लगभग जिसके 3.5 लाख लोग वर्किंग हैं और 1.5 लाख लोग रिटायरमेंट हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सर हमारी बात को भी आप कहीं इंक्लूड करें, तो एक बड़ा तबका सर आपके समर्थन में मतलब हमेशा भाव के साथ अच्छा, रहेगा सर, क्योंकि आप जो है ना उन विषयों को बताओ जो आपको लगता है कि इसमें इंक्लूड होना चाहिए। एक तो सर जैसे अगर आप बात करें सर सीएपीएफ की, तो जैसे कहीं ना कहीं जैसे एनपीएस में सारे लोग हैं और काम वही कर रहे हैं, सुकमा में जैसे मैं अभी सुकमा में हूँ सर, सुकमा मतलब हाईली नक्सल बेल्ट है, काम मैं सारा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और जीवन रिस्क पर रख के हजारों किलोमीटर दूर घर से दूर जो है टीन सेट में रह रहा हूँ, टीन के छप्पर में, कि मैं अगर आपको या अपने किसी रिश्तेदार को भी लाना चाहूँ तो जिंदगी में नहीं ला सकता, मैं अपने बच्चों से दूर हूँ, सब कुछ से दूर हूँ, परिवार से दूर हूँ, और एक ऐसे जहाँ नेटवर्क भी नहीं है, जहाँ खाने को आप ढंग से चाह के भी मतलब आप अपने भोजन नहीं आप कर सकते हैं ऐसे इलाके में, और कब मेरे पैर के नीचे कौन सी आईडी फटेगी वो पता नहीं, फिर भी आदमी यहाँ काम कर रहा और उसको पेंशन नहीं, तो कहीं ना कहीं जैसे मोटिवेशन नहीं है सर, जैसे पेंशन अपने आप एक मोटिवेशन है, जो भी पुराने लोग हैं सर आपको भी कहीं ना कहीं, आप भी रिटायर हुए तो आपको भी एक पेंशन मिलता है, तो एक ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है बुजुर्ग एक एक समय या फिर सेवा का आप एक भाव। 2004 के बाद सेवा में आए हैं। हाँ हम जी सर, जी सर 2004 में ही आए, लेकिन क्योंकि हम लोगों को सर वो एनपीएस में डाल दिया गया सर, जो है एनपीएफ में मतलब? मतलब
मतलब वही जो अभी न्यू पेंशन स्कीम है सर, जो है अच्छा, ओके ओके उसको, ओके। हाँ एनपीएस जो न्यू चलिए पेंशन मैं स्कीम है आपको घोषणा करता हूँ कि जी भारत में हर व्यक्ति को पेंशन मिलेगी और जी भारत में हर व्यक्ति को इतना पैसा मिलेगा जो आज से 5 गुने से ज्यादा होगा। तो एक तो सर ये एक मुद्दा है जिसमें कि कम से कम वो लोग शामिल हैं जो डायरेक्टली सर देश एक हित चीज में मैं कार्य कर आपको रहे हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जी आपको इतने रेवेन्यू मिलेंगे, एवेन्यूज मिलेंगे कि जो आप पेंशन पा रहे हैं उससे अधिक आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम बनेगी। लेकिन सर किसी कारण से किसी व्यक्ति को रेवेन्यू स्ट्रीम वो अपने इनएक्टिविटी के कारण नहीं पा पा रहा है तो उसे पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। चलिए एक तो एक ऐसे आप मेरी घोषणा मान लीजिए। सर सर एक तो ये हो गया सर, जैसे जो खास करके सी, अच्छा दूसरा सर अगर आप जैसे इससे है क्या सर, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन जैसे कई बार मैं देखता हूँ कि लाखों लोग प्रभावित और इरिटेट होते हैं, जैसे हमारा ही आप देख नहीं लें सर। देखो, मैं संजय अपना व्यू बता दूं, जी आपकी जी पेंशन क्यों बंद हुई है? जी आपकी पेंशन मैथिली शरण गुप्त जी के कारण बंद हुई है। ये जो कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी झुकने के लिए तैयार नहीं होती है और वो जो है लोगों को पेट दर्द पैदा करते हैं, लिहाजा यदि आपकी पेंशन बंद कर दी जाए तो आपकी रीढ़ की हड्डी झुक जाएगी, आप जो है भ्रष्ट होने के लिए जो है आप बेताब रहेंगे क्योंकि आपको पेंशन के बाद जो है ना कुछ पैसा मिल जाए। तो मेरे ख्याल से लोगों को भ्रष्ट बनाने के लिए लोगों को जो है वो कहीं उनमें स्वाभिमान ना रहे, देशभक्ति ना रहे, ये एक घटिया सोची समझी राजनीतिक साठगांठ है जिसके तहत ये किया गया। नहीं तो बिल्कुल यदि इनका कहीं पे भी विचार होता कि पैसा बचाना है, उनका भला करना है, तो ये एक शपथ लेने पे एक पेंशन और 10 शपथ लेने पे 10 पेंशन का प्रावधान कभी नहीं होता। इनकी पेंशन क्यों होना चाहिए फिर राजनेताओं की? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये एक कोरिलेट करता है ना सर, कोरिलेट करता, दोनों मुद्दे कोरिलेट करते हैं सर, इसीलिए मैं दोनों कह रहा था मुद्दे कि ये बताते हैं कि इनकी सोच और निशाना कहीं दूसरी जगह है। अभी आपने जो है ये इस तरीके का प्रावधान करने के लिए मूड में है या शायद ऑलरेडी कर दिया है, नोटिफिकेशन भी कर दिया है, जो कि कभी टिकेगा नहीं, जो कि यदि कोर्ट में जाएंगे तो वो क्वेश हो जाएगा, जिसके तहत ये रिटायरमेंट के बाद भी लोगों की बोलती बंद रखना चाहते हैं। जी मतलब ये दुष्ट बने रहेंगे, ये अपराधी बनेंगे तब भी सब काम होता रहेगा, लेकिन इनकी दुष्टता जारी रहे, ये अपराध एक देश इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरित साक्षर होना जरूरी है। और चपरासी जैसे छोटे पद पर यदि पुलिस ने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी तो उसे सिलेक्शन होने के बाद भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। जबकि आपको मालूम है इस बारे में 3 PIR लगी हैं और तीनों में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया है। उसका मजनून ये था कि जब एक चपरासी जैसी छोटी पोस्ट के लिए साक्षर और सचेत होना जरूरी है, फिर क्या कारण है कि जो ये राजनेता हैं जो कि कानून के निर्माता हैं, हमारे भाग्य विधाता भी हैं, ये अनपढ़ गवार बाहुबली दल बदलू भ्रष्ट चरित्रहीन और अपराधी क्यों? राइट। तो ये बात जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने मान्य की और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं और इसमें पार्लियामेंट से हम भी आग्रह करते हैं कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 में एक छोटा सा संशोधन कर दिया जाए कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति को टिकट की पात्रता नहीं होगी। बस इतना ही करना था। लेकिन ये दुष्ट राजनेताओं को देखो, उन्होंने ऐसा ना करके उल्टा किया है। आपको मालूम है 2019 से 2024 का भी जो वर्तमान पार्लियामेंट है इसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। अभी नहीं वो 2022 का जो चुनाव हुआ इसमें यह संख्या बढ़ के 403 सदस्यों की विधानसभा में 205 अपराधी हैं, विच मेक्स इट 51%। और अभी जो 10 मई को कर्नाटका का चुनाव हुआ उसमें 55% जो है MLAs वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। तो इन्होंने ना केवल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जो कि इन्हें बिना सुप्रीम कोर्ट के कहे भी करना चाहिए थी, बल्कि इन्होंने दुष्टतापूर्वक अपने घटिया चरित्र का परिचय देते हुए अपराधियों को ही प्रेफरेंस दिया, अपराधियों को ही टिकट दिया। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, ये है सर, लेकिन जैसे मैं तो थोड़ा सा जैसे दोनों पहलुओं से देख रहा हूँ, जैसे मैं चूंकि गवाही परे है ना पृष्ठभूमि का हूँ सर, तो मैं वहां भी देखता हूँ, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है सर कि पार्टियां तो जो कर रही हैं कहीं ना कहीं आम जनमानस भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना ये लोग हैं, क्योंकि वो भी तो
उन्हीं को वोट करते हैं और वो जीत रहे नहीं हैं, नहीं 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 जीत रहे हैं नहीं जैसे, नहीं तो नहीं जैसे नहीं 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 मैं आप उसको आपका खुलासा करता हूं। आपने जनमानस को घेर लिया है, आपके महंगाई आपने बढ़ा दी है, चारों तरफ आप दुष्टता कर रहे हैं और आप गंदे लोगों को टिकट दे रहे हैं। और एक व्यक्ति यदि निर्दलीय होकर जीत भी जाएगा तो हाँ वो क्या परिस्थितियों में परिवर्तन ला सकता है? जीरो। आपने पार्टी व्हिप जैसे घटिया चीजें लेके आए हैं जैसे आम जनता की बात ही कोई नहीं कह सकता है, तो ये इसके लिए आम जनता कैसे दोषी हो सकती है? आपने जो है ना घटिया पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया, इसके लिए जनता कैसे दोषी हो सकती है? आपने घटिया जो है पार्टी व्हिप सिस्टम लाया, इसके लिए जनता कैसे दोषी हो सकती है? आप दारू बांटते हैं, फ्री भी बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, इसके लिए जनता कैसे दोषी हो सकती है? आप तो जनता की गरीबी का उपहास उड़ा रहे हैं। हाँ मतलब कहीं ना कहीं वही है सर, वो उनमें अपॉर्चुनिटी नहीं देखते हैं और देखिए, उसे उसको। जनता का दोष मानने की बजाय आपने उस जनता को इतना निकम्मा और बेकार बना दिया है कि उसे लगता है कि भैया हम 500 रुपए 1000 रुपए मिल रहे हैं, चलो वही ले लिए जाएं। आपने उनको किस स्थिति में खड़ा कर दिया? उनको समृद्ध क्यों नहीं बनाया है? क्राइम फ्री भारत मिशन तो कह रहा है कि हर भारतीय समृद्ध हो जाएगा 5 साल में। आपको मालूम है व्हाट इज द क्लेम? क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि भारत सरकार की आमदनी 20 गुना होगी, लिहाजा किसी को टैक्स नहीं लगेगा, भारत विल बिकम टैक्स फ्री। और भारत के पास विकास के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, 10 गुना पैसा क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू स्ट्रीम मॉडल से आएगा और 10 गुना पैसा जो है क्राइम फ्री भारत के पेपर करेंसी लेस भारत से आएगा, जिसमें एक छोटी सी 2% की ट्रांजेक्शन फीस होगी। उस 2% की ट्रांजेक्शन फीस से इतनी धन की वर्षा होगी कि जो आज भारत सरकार सभी स्रोतों से कमा पा रही है, इससे 10 गुना ज्यादा पैसा होगा, 10 टाइम्स मोर। जब आपके पास आज की तुलना में 20 टाइम्स मोर पैसा है तो आपको फिर टैक्स लगाने की क्या जरूरत है? आपको मालूम है इस अद्भुत भारत में, संजय, इस जी अद्भुत भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। और डू यू नो कैसे चेक बाउंस नहीं होगी? आपके ही दो अकाउंट होंगे, एक जी अर्निंग अकाउंट होगा और एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। अज्यूम करिए किसी कारण से आप डिस्ट्रेस में चले गए और आपके पास अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है, तो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में एक डेबिट एंट्री कर दी जाएगी। अज्यूम करिए कि आपके अकाउंट जीरो है और आपने 10 लाख का चेक जारी की, तो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में 10 लाख की जो है ना डेबिट एंट्री करके आपके अर्निंग अकाउंट में उसे ट्रांसफर करके आपका जो है ना चेक क्लियर कर दिया जाएगा। और धीरे धीरे जब आपका पैसा आएगा तो वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में सेटल हो जाएगा, राइट? अब अज्यूम करिए कि आपकी डेबिट एंट्री लगातार 4-5 हो गई है, ठीक है ना? तो जो है फिर क्राइम फ्री भारत का सपोर्टिंग स्टाफ आपके पास पहुंचेगा, वो कहेगा संजय बैठो भाई, देखते समझते हैं क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों अपने जो है ना इसको सेटल नहीं कर पा रहे हो। बात समझ रहे हो ना? तो सर आपको जो है वो इट विल प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ द सपोर्ट। अभी तो उल्टा होता है, घटिया लोग पहुंच जाते हैं आपके ऊपर दावा दावा दाविश कर देते हैं, आपके सब अकाउंट सीज कर लेते हैं, आपकी सब संपत्ति सीज कर लेते हैं, आप दिवालिया बन जाते हैं। अच्छा खासा जो है ना देश के हित में काम कर रहा है वो दिवालिया हो गया, जाने कितने लोग जो है ना दिवालिया होके कितने लोग उससे बेरोजगार हो रहे हैं, इनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो काले अंग्रेजों के जमाने का जो है ना सिस्टम, वही जो है ना गोरों वाला जो है ना थोप के रखा हुआ है, इनका सोच और चिंतन ही नहीं है। आपको मालूम है शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी, इट विल बी प्रैक्टिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड विच विल मेक दिस कंट्री विश्व गुरु बनाएगी। विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बनेगा। इसमें इसका जो क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज अर्निंग ऑफ किसान बाय 5 टाइम्स और मजदूरों के 10 गुना बढ़ेंगे। आपको मालूम है भारत में 5 साल में कोई स्लम एरिया में नहीं रहेगा और कोई पीएम आवास योजना नहीं होगी, कोई फ्री भी नहीं होगी, उसके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से जो ना उसका घर बन जाएगा और 5-7 साल में 8 साल में 10 साल में उसका धीमे से पेमेंट भी हो जाएगा और वो स्वाभिमान से और अच्छा जी पाएगा। आपको मालूम है व्हाट इज द मिनिमम परचेजिंग पावर ऑफ द ए मजदूर? 50,000 रुपीज पर मंथ। वो 25,000 कमाएगा और उसको 50% डिस्काउंट हर चीज में मिलेगा, सो उसकी परचेजिंग पावर विल बी 50,000 रुपीज कोई पर मंथ। कोई सर इसमें मेरा मेरा ये थोड़ा सा सबमिशन था सर कि किसी पर्टिकुलर इलाके को पैच को सर जो है आइडेंटिफाई किया देखो जाए और आइडेंटिफाई करके वहां थोड़ा सा एक बार एक बार ये आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये दुष्ट राजनेता का नियम कानून के तहत तो कुछ भी संभव नहीं है। बात समझ रहे हो ना?
जैसे इसमें इसमें जो है ना कुछ रहस्यमय चीज है ही नहीं है। तो जब जब इन दुष्टों को जो है ना राइट थ्रो जो है ना पराजित करके व्यवस्था बदल दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें? हाँ जी सर, जैसे आप पैच में तब कर पाओगे ना जब ये दुष्ट राजनेता आपको करने देंगे, जब वो नियम कानून बनाएंगे, जब वो आपको इको सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। क्यों करेंगे वो? वो तो अपने खाने पीने के लिए है। आज आपको जो जैसे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल जो है ना हवाई जहाज और फलाने सब चीजें दिख रही हैं, आपको मालूम है क्यों दिख रही हैं? यदि 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा और 20% कट मिलेगा तो 2,000 करोड़ रुपए मिलेगा, इसलिए हो रहा है। यदि वो नहीं 100 करोड़ का होगा तो जो है ना 2 करोड़ ही मिलेंगे, 20 करोड़ ही नहीं मिलेंगे। नहीं नेचुरली मैं इस बात से सहमत हूँ सर। जैसे हालांकि जैसे गांव में रोड बड़े बदतर स्थिति में है और 6 लेन बन रहा है, 6 लेन बन रहा है और उस पर टैक्स भी लग रहा है, उस 6 लेन पे एक आम जनता कितना ट्रेवलिंग कर रही है और कितना उसका यूज कर रही है, ये आप और हम दोनों लोग जानते हैं। अगर उसको डाटा को खंगाला जाए तो वो जो अगर 30,000 करोड़ का कोई रोड बन रहा है तो नेचुरली इसलिए बन रहा है। ये सब कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा प्रबुद्ध तबका है वो जानता है, इस बात को महसूस करता है कि वो पर्टिकुलर XYZ कंपनी को दे दिया गया और उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट अपना, तो कहीं ना कहीं हमको अलग 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 और लोगों वो से प्लो बैक सेटलमेंट होके नहीं नहीं करना है। राजनेताओं में आ रहा है एनोनिमस डोनेशन के माध्यम से। लेकिन अब ये लेकिन बताइए, ये कोई बहुत बड़ी दुष्टता नहीं है कि आप अनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशन लेके आए हैं? मेरे मेरे मेरा हिसाब से तो ये शुद्ध दुष्टता है। सर सर चलिए इस मैं बात को अब यहीं पे अपन रोकते हैं। जी अगले जी अगले अगली बात अगली बार करेंगे, ठीक है? जी तब जी 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 तक जी जी चिंतन करिए, सोच करिए। नहीं नहीं पक्का सर, पक्का सर। मैं आपसे इस मतलब इसको बेहतर करने के कुछ उपाय